जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारे शरीर में अटैक करता है और उससे हमारी मृत्यु कैसे हो जाती है, और वैक्सीन किस तरह से उस कोरोना वायरस को हरा देता है, या कोई व्यक्ति स्वतः कैसे ठीक हो जाता है वैक्सीन से, और वैक्सीन कौन सी सबसे ज़्यादा कारगर होगी, हमें कौन सी वैक्सीन को लगाना चाहिए, इस सब के बारे में हम समझा देते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना जो है कहीं ना कहीं संपर्क में आने से ही फैलता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये इसका जो ड्रॉपलेट्स होता है, ये सब आपको पता है, इसीलिए थोड़ा सा एक मीटर दूरी जो कहा जाता है कि कम से कम गैप बना के रखना चाहिए। देखिए, कोरोना जो वायरस है ना, इसके बाहर दो हिस्से होते हैं। एक इसका जो बाहर इस तरह से निकला हुआ है नुकीला भाग, इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, यही सबसे घातक है स्पाइक प्रोटीन। अगर इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये बाहर वाला, अगर इसको तोड़ दिया जाए, इसको टकला कर दिया जाए, तो किसी काम का नहीं, फिर कोरोना से कोई नहीं डरेगा, यही भाग जाएगा। और इसके अंदर एक होता है गुच्छा जैसा, ये इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, ये करता है, ये हमारी बॉडी में घुसने में मदद कर देता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न कर देता है। इसलिए अगर एक भी कोरोना वायरस आया तो इसके अंदर का ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये उसको एक से कब एक लाख बना देगा, कब एक करोड़ बना देगा, कुछ नहीं पता। तो ये जनरेशन बढ़ाने के लिए होता है, ये स्पाइक प्रोटीन शरीर में एंट्री करने के लिए होता है। ये कोरोना वायरस जो होता है इसका ये स्पाइक प्रोटीन जो होता है ये केवल फेफड़े में ही टच कर सकता है, बाकी शरीर में कहीं से भी ये एंट्री शरीर के अंदर सेल में नहीं कर सकता है। फेफड़े के जो सेल होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और सेल में भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ से ये एंट्री नहीं कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन कुछ खास चीज़ को ही अपने अंदर जाने देते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, इन सब को जाने देते हैं। बाकी जो नया कुछ चीज़ आएगा ना जो बॉडी में बाहर से लिया जाता है, तो उसको जाने के लिए ये रिसेप्टर लगे होते हैं। कोरोना वायरस का ये स्पाइक प्रोटीन इसी रिसेप्टर पर चिपक जाता है और इसी के माध्यम से अंदर चला जाता है, और अंदर जाके अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे देता है, और ये फेफड़े में ही जाता है, क्योंकि फेफड़े के जो लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो उसके सेल होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ये फेफड़ा है, फेफड़ा का ये रिसेप्टर है, ये ससुरा पकड़ लेता है कोरोना को, और कोरोना जाके इसी में चिपक जाता है, और इस यही इसको खींच के अंदर लेके चला जाता है, यही सबसे घातक हो जाता है। जैसे ये रिसेप्टर में चिपकता है, रिसेप्टर इसको खींच के अंदर ले जाता है, ये यहाँ से चिपका के अंदर लेके चला जाएगा। अंदर जाने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, आरएनए जो है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके डीएनए से मैच करने लगता है, हम लोग के फेफड़ा के अंदर चला जाता है, और फेफड़ा के अंदर जाने के बाद जैसे ये इसके रिसेप्टर पे टच हुआ इसका स्पाइक प्रोटीन, और ये इसको लेके अंदर गया, और अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, हमारा न्यूक्लियस जो है, हमारे शरीर का जो न्यूक्लियस है, ये बहुत सीधा साधा है, इसको पता है कि स्पाइक प्रोटीन से जो भी ये रिसेप्टर से अंदर आ रहा है वो ठीक ठाक आदमी है। तो इस ससुरा जो कोरोना है, इस सीधे जाके पूछता है न्यूक्लियस से कि फोटोकॉपी मशीन कहाँ है, कहाँ है वो फोटोकॉपी मशीन जिससे नए नए चीज़ों के बनते हैं। तो हमारे शरीर में फोटोकॉपी मशीन का काम करता है राइबोसोम, ये राइबोसोम धड़ाधड़ फोटोकॉपी करता है, किस चीज़ का, तो प्रोटीन का। तो हमारे शरीर में धड़ाधड़ प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है यही राइबोसोम। अब देखिए, फोटोकॉपी मशीन की एक खराबी है, इस पर कौन सा पेपर रखे हैं ये उसी का कॉपी करेगा, इसको नहीं पता कि कॉपी क्या हो रहा है। अब ये जो कोरोना वायरस है, इस रिसेप्टर के माध्यम से न्यूक्लियस में आ गया है, न्यूक्लियस वाइज को बता दिया कि राइबोसोम के पास चले जाए, वही फोटोकॉपी करता है। अब ये छोटा जो कोरोना वायरस है ये क्या करेगा, इस फोटोकॉपी के पास जाएगा और यहां जो प्रोटीन वाला पेपर रखा है उसको हटा के अपना जेनेटिक मटेरियल रख देगा जो इसके अंदर है, मतलब अपने खानदान का फोटोकॉपी कराने लगेगा। अब एक कोरोना वायरस अंदर गया था, लेकिन राइबोसोम की मदद से वो अपने हजारों कॉपी अंदर बनाने लगा, और फेफड़ा के अंदर धड़ाधड़ 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 कोरोना वायरस बनने लगे सब। अब हमारा ही बॉडी उसको कोरोना वायरस बना रहा है, सोचिए, हमारा खुद का फेफड़ा, हमारा खुद का राइबोसोम जो कल तक प्रोटीन का फोटोकॉपी करता था, उसके स्कैनर से प्रोटीन हटा के आरएनए, ये कोरोना वाला ने अपना आरएनए रख दिया, उसी का फोटोकॉपी कर रहा है। तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं सब यहाँ पर। अब पूरे फेफड़े में ना ये कोरोना वायरस घूमने लगते हैं सब, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कहते रे तुझके ये कौन चीज है रे, ये कौन चीज आ गया यहाँ पर, पूरा इम्यून सिस्टम कन्फ्यूजन में हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि है कौन, लेकिन ये समझ जाता है कि ठीक आदमी नहीं है, इसको मारना चाहिए। तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ये इसको लगता है मारने, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ मार काट करता है, तो हमारे शरीर को पता ही नहीं चल रहा, हम लोग इसे घूम रहे हैं आराम से, हम लोग के फेफड़ा में मार धाड़ चल रहा है, हमारा एंटीबॉडी जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम धड़ धड़ मार रहा है इसको, तो हम लोग को बुखार आना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब भी अंदर मार धाड़ चलती है तो बुखार हो जाता है, ताकि वो टेम्परेचर
से कोई कोई नए नए छोटे मोटे वायरस वगैरह ऐसे मर जाए। लेकिन ससुराल मरता नहीं है यहाँ पे, अरे मारे जा रहा है, मर ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस कहता है कि रे बकलोलवा, वो मारने से नहीं मरेगा, यहाँ फोटोकॉपी होके उधड़ाधड़ निकल रहा है, इसकी कमी ही नहीं कर सकते तुम मार के। तो ये कहता है कि भैया तो हम कौन सी करें। तो न्यूक्लियस इसको बताता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि एक काम करो, तुम एंटीबॉडी बनाओ, क्योंकि इसको घुसने से रोको, क्योंकि अगर ये घुस जाएगा ना, एगो तो घुस के अपना फोटोकॉपी बना ही रहा है, इसको घुसने से रोको। तो ये कहता है कि क्या करे, रिसेप्टर नोच देगा। तो ये कहता है अरे भैया ओकरा मत नोच, एक नोच देगा ना तो कबो दवाई खाएगा तो दवाइयो अंदर नहीं जाएगा। एक काम करना, इसी को बर्बाद कर दो, इसका जो खोपड़िया है इसको, खोपड़िया को कैसे भी बर्बाद करो। तो खोपड़िया का जो चिपकने वाला ना, उसका थुथुरा कूंच दिया जाता है। तो थुथुरुआ कूंचने के लिए एक एंटीबॉडी होता है, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एक एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी जाके इसके मुंहवा से सट जाता है, मुँह से चिपक जाएगा। देखिए यहाँ जाके चिपक गया, ये ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया, तो ये चिपक जाते हैं सब। तो वो जैसे चिपक जाएगा तो वो इससे नहीं सट पाएगा। अब इसके स्पाइक प्रोटीन जो हमारे फेफड़े के रिसेप्टर से सट रहा था, अगर एंटीबॉडी शरीर में बनने लगेगा तो जाके चिपक जाएगा इसकी स्पाइक प्रोटीन से, और वो चिपक नहीं पाएगा। बस इसी तरह कोरोना सही हो जाता है, जिसके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगा, वह एंटीबॉडी जाके किससे चिपकेगा, कोरोना वायरस के यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन है उससे, और इस सिस्टम को लॉक कर देगा। अब ये लॉक कर देगा तो ये वाला इसमें जा नहीं पाएगा। लेकिन इस ससुरा कोरोना के बाहर बहुत ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी होना चाहिए, तभी ना ये सबको लॉक करेगा। अभी देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5 को लॉक कर पाया, इस ससुरा कहीं ना कहीं से सट के घुस जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बना है, ये सब देखिए एंटीबॉडी। तो जिसके शरीर में ज़्यादा एंटीबॉडी बना, वो कोरोना जैसे आया एंटीबॉडी बन गया, धड़ाधड़ कोरोना का मुंह बंद कर दिया, अरे चुप ससुराल, तो तू सट के अंदर घुस जाएगा। और जिसमें ये एंटीबॉडी नहीं बन पाया वही लोग मर जाते हैं। तो कहा जाता है जिसका इम्यून अच्छा होगा, अच्छा होने का मतलब वो एंटीबॉडी ज्यादा बना देगा, कोरोना का मुंह चिपका देगा, थाप दिया, चल चुपचाप रहो यहां पे, अब वो बच जाएगा यहां पे। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी हल्का हल्का कि वैक्सीन क्या करेगा। वैक्सीन कुछ नहीं करेगा, बल्कि वैक्सीन इसी एंटीबॉडी को बनाएगा ताकि यह एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर जाके सट जाए और उसका मुंह बंद कर दे। अगर मुंह बंद हो गया तो कोरोना हमारे शरीर के रिसेप्टर से टच होके अंदर नहीं जा पाएगा, वैसे ही ऊपर घूमते घूमते अपने से मर जाएगा। तो वैक्सीन का यही मेन काम हो गया कि वैक्सीन जैसे हमारे शरीर में लग जाता है तो इतना ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है कि ये एंटीबॉडी कोरोना को चारों ओर से घेर लेता है, कहता है कि आओ आओ सट जाओ हमारे में, तो चारों ओर से ये एंटीबॉडी सट जाता है। जब एंटीबॉडी सट जाएगा तो कोरोना के जितने स्पाइक प्रोटीन है उसका मुंह बंद हो जाएगा, हमारे शरीर में एंट्री नहीं मार पाएगा, दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे देखिए ये एक ह्यूमन सेल है, अब इसमें क्या है, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन फंस गया है, लेकिन जब उसमें न्यूट्रलाइज किया गया एंटीबॉडी देकर तो ये एंटीबॉडी जाके इससे सट गया, ये एंटीबॉडी सट गया, अब ये इससे डायरेक्ट टच में नहीं आ सकता है तो हमें कोरोना नहीं होगा। यही काम होता है हमारे वैक्सीन का। अब इसमें इतना टाइम क्यों लग गया, तो देखिए वैक्सीन बनाने में सबसे बड़ा था कि इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो फोटोकॉपी कर रहा था वो क्या है पता करने के लिए। तो बाद में पता चला कि वो आरएनए है। देखिए हमारे शरीर में डीएनए होता है, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, डीएनए जो होता है वो दो धागा का बना होता है यहाँ पर देखिए, और आरएनए जो होता है वो केवल सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल धागा का बना होता है आरएनए। तो जितने वायरस होते हैं वो ससुरे आरएनए होते हैं, ज़्यादातर वायरस आरएनए। अब आरएनए को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खटाखट आरएनए बनता है, जबकि डीएनए बनने में टाइम लगता है। तो वायरस जो होता है बड़ा जल्दी जल्दी बनने लगते हैं सब यहाँ पे। तो वैज्ञानिकों ने इसी आरएनए को पकड़ के निकाला, इसलिए जितना वैक्सीन है सब वैक्सीन को आरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन कहा जाता है। तो इस कोरोना का जो आरएनए है उसे वैज्ञानिकों ने निकाल लिया। अब देखिए हम लोग में तो डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए नहीं है, देखिए डीएनए आरएनए में अंतर नहीं, एक उखाड़ दीजिए इसका तो क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, उखाड़ के नोच लीजिए बस क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। तो वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का आरएनए मिल गया। तो कोरोना कैसा वायरस है, एक आरएनए वायरस है, बस हमको ये मिल गया। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस आरएनए वायरस को केमिकल से कमजोर उमजोर करके इसका नकल कर लिया, और इसे नकल करके जैसा इसके अंदर आरएनए था वैसे ही आरएनए को इंजेक्शन से हमारे बॉडी के अंदर भर दिया। और जैसे बॉडी के अंदर भरा तो बॉडी के अंदर क्या पहुंच गए सब, ये कोरोना वायरस। बट ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो लैब में इन्होंने आरएनए से बनाया है, ओरिजिनल नहीं है।
अब बताइए, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन दिखने में तो उसी के जैसा है, और जब दिखने में वैसा ही है तो शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर से एंटीबॉडी बनने लगेंगी ज़्यादा ज़्यादा, और इन दवाओं में एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए केमिकल मिला दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनने लगेगी। तो जब कभी हमें वैक्सीन लगा दिया जाता है तो यह वैक्सीन एंटीबॉडी का निर्माण बहुत ज़ोर से करने लगती है और हमारे शरीर में खूब ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाता है जो कि नकली कोरोना वायरस को देखकर बना होता है, और इसी बीच में ना वो पूरे उस कोरोना वायरस को घेर लेते हैं, हमारे शरीर में पूरा का पूरा एंटीबॉडी हो गया। और जब कभी भी ओरिजिनल कोरोना आता है तो हमारे एंटीबॉडी घेर लेते हैं कोरोना का, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा को घेर लो, चाचा का घेर लो, पूरा घेर लेते हैं चाचा को, चाचा का थूथुर चिपका देता है, लो चुपचाप सट गया यहाँ पे, तो सटा लेते हैं सब। अब कोरोना तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन में नहीं घुस सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, बायोलॉजी के बैच में पढ़ा दिए थे, सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम, मतलब किसी खास चीज़ को जाने देगा और कुछ खास चीज़ को ही आने देगा, उस खास चीज़ में कोरोना शामिल नहीं है। इसलिए कोरोना जब भी जाएगा तो रिसेप्टर से जाएगा, और ये एंटीबॉडी जाके कोरोना के स्पाइक प्रोटीन का मुंह चिपका दिया, रिसेप्टर से सटेगा नहीं। यही एक सिंपल फंडा होता है वैक्सीन का, ये वैक्सीन यही काम करते हैं सब। अब दुनिया के कई तरह के वैक्सीन हैं, जिसमें फाइजर जो है वैक्सीन, इस ससुरा अमेरिका का है, इसको -70 डिग्री पे रखना है, ये भारत में पॉसिबल ही नहीं है, हालांकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देखे गए। रूस का स्पुतनिक वैक्सीन है, और यूएनओ ने बनाया है गरीब देशों के लिए, अफ्रीका के लिए, जिसमें भारत की भी योगदान है, नोवावैक्स, ये वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर जो वैक्सीन बनाया है उसे भारत में नाम दिया गया है कोविडशील्ड। ये वैक्सीन भारत में बनी नहीं है, इसका प्रोडक्शन होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, जिसके सीईओ हैं आदार पूनावाला। तो ये वैक्सीन है, जितनी वैक्सीन है ये सारी की सारी वैक्सीन है mRNA पर डिपेंड है, यानी RNA वैक्सीन है, मतलब कोरोना का कॉपी करें हमारे बॉडी में घुसा दो, उसको देखा देखी जब एंटी वो बनने लगेंगे एंटीबॉडी तो उस एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ा दो, और जब ओरिजिनल कोरोना आएगा तो उसका थुथुर चाँप देंगे सभी, सब इसी पर काम करता है। लेकिन भारत का वैक्सीन इस पर काम नहीं करता है। भारत का वैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाया, इसे भारत बायोटेक ने, इसका नाम है कोवैक्सीन, ये अलग ही कंसेप्ट से। कोवैक्सीन में क्या किया गया है कि कोरोना वायरस को ही कमज़ोर करके उसको थूर कूंच के हमारे शरीर में भर दिया गया है। अब बताओ, उसे थोड़ा थुरा कूंचा गया है, इसका जेनेटिक मटेरियल को खूब अच्छा से कूंच काच दीजिए, और कूंच काच के हमारे शरीर में भर दीजिए, और शरीर में जैसे भरेंगे तो जाएगा अंदर, न्यूक्लियस से कहेगा हमारा फोटो कॉपी बनाओ, ये बेचारा अपने कूंचा गया है, एक फोटो कॉपी निकलेगा तो कूंचाई ले निकलेगा, तो हमारे शरीर के एंटीबॉडी आके छाप लेगा सब, इसको कहेगा मारो 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 मारो। अब भाई हमारे एंटीबॉडी इस कमज़ोर कोरोना को खूब अच्छा से मार देगा। यही वजह है कि शुरुआत में जब वैक्सीन लिया जा रहा है ना तो कुछ कुछ लोगों को हल्का फीवर आ जा रहा है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल लड़ाई चालू है, लेकिन वैक्सीन के थ्रू बहुत ही कमज़ोर वायरस डाल दिया है भारत, हूबहू ओरिजिनल है वायरस, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि वो उसका बच्चा भी कमज़ोर पैदा हो रहा है, तो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उससे खेल खेल के सीख ले रहा है, और इसी बीच जब ओरिजिनल वायरस आ रहा है तो उसको भी मार के कूंच दे रहे हैं, जा ससुरा। भारत वाला शुरू से जुगाड़ पर डिपेंड है। अब हैंड सैनिटाइजर क्या करता है, देखिए भाई सैनिटाइजर का काम क्या होता है, सैनिटाइजर जब हम मारते हैं ना तो ये कोरोना वायरस का जो बाहरी खोल है ना, जिस खोल के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, तो ये जो होता है ये कोरोना ये सैनिटाइजर इस स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं करता है, बल्कि जिसके ऊपर इसका खोल है ना ये खोपड़िए फाड़ देता है, उसको टकला कर देता है, इस तरह से खोखला करके टकला कर देगा, इसका पूरा का पूरा ऊपर का खोपड़िए झाड़ के टकला हो जाएगा। इस ससुरा सैनिटाइजरवा जो है ना, ये तो वैक्सीनवा का बाप है, वैक्सीनवा तो खाली उसका ठोड़वे बंद कर रहा था, ये मारा पूरा टकले कर देता है उसको, अब उसका पूरा RNA बाहर निकल जाता है, तो कोरोना रोने लगता है, ओ माय गॉड मेरा RNA चल गया, अब क्या करेंगे आप। तो आप कहेंगे कि तो सैनिटाइजर वे काहे नहीं पी लेते हैं लोग, सोचा सैनिटाइजरवा ज़्यादा पी लेंगे लोग ना तो फेफड़वा में, तो हम लोग कहीं सोचा रिसेप्टरवा जो है ना फेफड़ा का एकरो नोच देगा, बस दिक्कत हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएंगे लोग यहाँ पे। इसलिए सैनिटाइजर जो है वो केवल बाहर के काम में आता है, वो कोरोना वायरस के बाहरी लेयर को फाड़ देता है। दुनिया में बहुत सारे वैक्सीन है, जिसमें एक ये जितने वैक्सीन है ये RNA वैक्सीन है सब, जबकि भारत का जो वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा, ये तो ओरिजिनल वायरस का ही वैक्सीन है। अब इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो देखिए सारे वैक्सीन अच्छे हैं, डिपेंड करता है किसको कहाँ के ट्रायल पर किया गया है, किसी को अमेरिका में, किसी को इंडिया में, सारे के सारे वैक्सीन एक जैसे हैं, कोई ख़राब नहीं है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कौन सा साबुन नहाने के लिए अच्छा है, तो भैया आप लाइफबॉय से नहाओ, चाहे डिटॉल से नहाओ, चाहे पियर से नहाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहा के आप वैसे ही निकलेंगे, चाहे हमारे जैसे आप घड़ी साबुन से नहा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे हम लोग हैं
भैंस जैसे हम लोग का चमड़ा है तो उस पर लक्स वगैरह सुनता ही नहीं है। तो घड़ी साबुन ये सब से नहा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैक्सीन जो है वो 60 से 90% तक ही वो कारगर है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जिसे वैक्सीन लग गया उसे कोरोना नहीं होगा, होगा उसको भी, हो सकता है, बहुत कम चांस है। और अगर होगा भी ना तो वो घर पे ही ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं वो। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है वैक्सीन का, उसे दोबारा कोरोना हो जाएगा बट मरेगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या चाहिए? बीमारी हो जाए, खांसी सर्दी हो के ठीक हो जाए, मरिए जा रहा है सोचो, इसने ना दिक्कत हो जाता है, डेथ नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज लगाई जाएंगी, एक डोज से दूसरे डोज के बीच में 28 से 42 दिन का गैप रखा जाएगा। एक डोज मान के चलिए आप 1 तारीख को ले लिए, तो फिर 28 से 40 दिन के बीच में कभी भी एक डोज ले लीजिए, ताकि आपके बॉडी में 2 बार कोरोना वायरस को इंजेक्ट कराया जा सके वैक्सीन के माध्यम से, जिससे कि आपकी एंटीबॉडी रेडी हो सके, लड़ने के लिए तैयार रह सके। अब देखिए, एक रिसर्च करना ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पहला डोज अगर फाइजर का लगा दिया जाए और दूसरा डोज कोविशील्ड का लगा दिया जाए तो ये ज़्यादा असरदार होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहला डोज जिस वैक्सीन का है दूसरा डोज भी उसी का है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग डोज दिया जाए। अब चूंकि भारत में 2 ही वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है एक कोवैक्सीन है, तो भारत सरकार को भी इस पर रिसर्च करना चाहिए कि पहला डोज देना चाहिए कोविशील्ड का, दूसरा कोवैक्सीन का ही दे दीजिए, ताकि ज़्यादा सूटेबल रहे, दोनों तरह से हम लोग उसमें वायरस से लड़ सके, यहाँ पर एक्सचेंज कर देना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट को लेकर कुछ डर रहे हैं। देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 99% लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को हो रहा है हल्का बुखार, तो आपको बता ही दिए क्योंकि जैसे वैक्सीन जाएगा मारधाड़ चालू होगा, हल्का बुखार होगा, पैरासिटामोल खा लीजिए, नॉर्मल 1 रुपये का कम्बीफ्लान या फिर कालपोल वगैरह कुछ भी खा लीजिए, नॉर्मल सही हो जाएंगे, यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको, कुछ लोग को सर दर्द की शिकायत मिली गई है, करोड़ों में 1-2 ठोको। अरे यार, तो जो सर दर्द और बुखार नहीं झेल सकता है ससुरा तू नहीं तो तू जी कह रहा है ससुरा, ओकरा से डर रहा है यहाँ पे, कोरोना से नहीं डर रहा है, डर रहा है कि वैक्सीन लगाएंगे तो बुखार हो। अब कुछ लोग का इसी में अफवाह उड़ा दिया कि वैक्सीन लगाने से मर जाएगा। भाई देखो, किसी को कोरोना वायरस हो गया है, अब वो आज ही इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको लक्षण तो आज नहीं दिखेगा, और आज ही अगर जाके वो वैक्सीन लगा ले और 1 हफ्ता बाद, वैक्सीन तुरंत तो काम नहीं करेगा एक ही डोज पे, और 1 हफ्ता बाद वो कोरोना से मर जाएगा, तो लोग उसे ये नहीं कहेंगे कि कोरोना से मरा है, लोग अफवाह उड़ा देंगे सोच रहा कि वो वैक्सीने से मरा है, ऐसा कोई नहीं है। 1-2 साक्ष्य हैं, तो अब बताओ ना, 8 करोड़ लोग को वैक्सीन लगा है, उसमें 50-60 लोग की डेथ हो गई, तो इससे ज़्यादा खतरा तो हम लोग को सड़क पर चलने पर रहता है, वहाँ एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है, तो वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। आप अपने उम्र के दायरे में आइए, वैक्सीन लगाइए। अप्रैल के महीने में जिनका उम्र 45 से ऊपर है उन्हें ही लग रहा है, लेकिन मोदी जी ने इसराइल को मॉडल को देखते हुए, हम एक पिछले वीडियो में बताए थे ब्रिटेन का मॉडल और इसराइल का मॉडल, मतलब ब्रिटेन में भी वैक्सीनेशन से ही जीता था, तो इसराइल ने क्या किया, अपने पूरे पॉपुलेशन को केवल बच्चों को छोड़ के सबको वैक्सीन लगा दिया, और वो भारत दुनिया का पहला देश हो गया जो कोरोना मुक्त हो गया है। तो इसी को देखते हुए 1 मई से जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो सब कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। हाथ जोड़ते हैं भैया, सब लोग लगवा लो, क्योंकि ये जो नया वैक्सीन वायरस आया है ये नए युवाओं को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अफवाहों पे मत जाइएगा। कुछ लोग का अफवाह ये है कि सरकार ना क्या कर रही है, गरीबों को मारने के लिए वैक्सीन दे रही है। अरे यार, तो कौन नशा करके रहता है, सब ये सब है नहीं। एक हमसे कह रहा है कि सरकार ये वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा किडनी खराब हो जाएगा, कोई कह रहा है नपुंसक हो जाएंगे, कोनो कह रहा है 2 साल बाद मर जाएंगे। अरे यार, ऐसे लोग को पता नहीं कैसे सरकार झेलती है, ऐसे लोग को सचरों को जेल में डाल देना चाहिए अफवाह फैलाने वालों को। कोई भी वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं होता। मेरे पापा वैक्सीन लगाए, उनको शुगर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मी को इतना लोगों ने डरा दिया था, उनके रिलेटिव लोग इतना डरा दिए थे कि मम्मी कांप रही थी, ना बाबू हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम कहे चलिए चुपचाप वैक्सीन लगाइए। मम्मी को वैक्सीन लगे हुए आज 10-12 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब वो सबको समझाती है, नहीं नहीं लगा लो लगा लो। और जो जो लोग मेरी मम्मी को डराते थे ना, अब मेरी मम्मी को देख के बाकी सब लोग लगा लिए यहाँ पे। तो आप लोग भी जागरूक होइए। ऐसे लोग जो हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, वैक्सीन कहते वैक्सीन मत लो। अजीब हाल है ससुराल सब यहाँ पे। एक मौलाना साहब हमसे आके कह रहे थे कि वैक्सीन सब गलत है यहाँ पे, हम कहा हाँ हाँ आप वैक्सीन मत लीजिए, आप सिला जीत लीजिए, आपके लायक यही है। आई होप आप वैक्सीनेशन और इसके कैसे काम करता है इसको समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीटी वैल्यू समझा देंगे और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ये सारी चीज़ों को, RT-PCR चेक कैसे होता है इसके बारे में बता देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।